हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एसेंट टू रिएक्शंस। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लिफाई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मींस एसएन1 रिएक्शन। एसएन1 का फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लिफाई 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पढ़ेंगे क्या इसको? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए द रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, द रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल टू इल्ड द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड ब्रोमाइड आयन इज फॉलो टू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फॉलो टू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड only the concentrations of tertiary alkyl halide, या tertiary butyl bromide कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहेगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने पहले भी बता चुका है कि एसएन2 रिएक्शन के केस में हर रिएक्शन का एक रेट होता है। को रिएक्शन की रेट क्या है? क्या वो फास्ट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन है? जिस टाइप से कोई मोटरसाइकिल चलती है, हम कहते हैं हमारी मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, हमारा कार 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, वैसे एक रिएक्शन की रेट होती है। और इस रिएक्शन की रेट को हम एक्सप्लेन करेंगे जब केमिकल काइनेटिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो अगर इस केस में क्या है, SN1 के रिएक्शन के केस में रिएक्शन की रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। और रिएक्टेंट कौन सा है? तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। वह न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि डिपेंड किस पे कर रहा है? कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्या? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड। यहां पे टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्या है? तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड है कंसंट्रेशंस ऑफ CH3 का थ्राइस CBr, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ
टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के, के हमारा कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो सी एच थ्री का थ्राइस सी बी आर। अब यहां पे देखो कि यह हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, यहां पे हमने लिखा होगा है न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हाइड्रोक्साइड आयन है। लेकिन रेट हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड नहीं किया, रेट किस पे डिपेंड किया, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे। ऐसा क्यों हो रहा है इसको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई टर्शियरी एल्किल हैलाइड टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड के फॉर्म में कार्बन वन सी एच थ्री सेकेंड सी एच थ्री एंड थर्ड सी एच थ्री, यहां पे जुटा हमारा इसके साथ बी आर। रिएक्शन किससे कराना है, न्यूक्लियोफाइल क्या हमारा ओ एच है प्लस ओ एच पर माइनस चार्ज। ये रिएक्शन कैसे होगा कि जब हाइड्रोक्साइड आयन इस पे इसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन जब इस पे रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन का स्टेप हमारा कुछ टाइप से होगा कि फर्स्ट यह कार्बो कैटायन बनाएगा कि सी एच थ्री वन सी एच थ्री टू सी एच थ्री एंड थर्ड सी एच थ्री प्लस चार्ज। यहां पे जो चार्ज होगा क्या होगा प्लस चार्ज। यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, वन टू थ्री, तीन एलपी ग्रुप है यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तीन साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस कार्बन पे इंक्रीज कर रहा है जिसके वजह से जो थ्री डिग्री कार्बो कैटायन होता है वह मोर स्टेबल होता है कंपेरिजन बिटवीन टू डिग्री एल्किल हैलाइड एंड वन डिग्री एल्किल हैलाइड के कंपेरिजन। फिर उसके बाद से हमारा क्या होता है, यहां पे बी आर माइनस बी आर पर माइनस चार्ज निकल गया थ्री डिग्री कार्बो कैटायन एंड प्लस अब इस पे थ्री डिग्री कार्बो कैटायन यह मोर स्टेबल है टू डिग्री के कंपेरिजन में वन डिग्री के कंपेरिजन में। क्यों मोर स्टेबल है, तो इसके तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और तीन साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस कार्बन पे इंक्रीज कर रहे हैं जिसके वजह से यह दो डिग्री और वन डिग्री से हाईली स्टेबल होता है थ्री डिग्री कार्बो कैटायन। अब यहां पे जो है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन इस पे क्या करेगा अटैक करेगा। अब एक प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज है तो इसको न्यूट्रल होना जरूरी है, कोई भी आयन हो मालिक्यूल्स हो अगर उस पर चार्ज हो जाता है चाहे प्लस चार्ज हो जाता है उस पर माइनस चार्ज होता है तो अपने चार्ज से जल्दी वो छुटकारा चाहता है कि जल्दी से हम न्यूट्रल हो जाएं। तो वह इजिली हाइड्रोक्साइड आयन इस पे क्या करेगा अटैक करेगा, तो कंपाउंड हमारा बनेगा सी एच थ्री एंड सी एच थ्री ओ एच टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस स्टेप को हमको समझना है, यह स्टेबल कंपाउंड है न्यूट्रल जिसको बोल सकते हैं स्टेबल कंपाउंड है, इस स्टेबल से अनस्टेबल में चेंज हुआ। यह हमारा क्या है स्टेबल है न्यूट्रल कंपाउंड है, इस न्यूट्रल कंपाउंड से आयंस में आया मतलब यह स्टेबल से अनस्टेबल में आया। अभी तुम सोच रहे हो कि डबल डबल की बात कर रहे हैं, अभी इसको डबल बोल रहे हैं फिर इसको बोल रहे हैं कि यह अनस्टेबल हो गया, तो यह स्टेबल किसके कंपेरिजन में है कि दो डिग्री और वन डिग्री कार्बो कैटायन के कंपेरिजन में यह स्टेबल है, न कि इसमें स्टेबिलिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसमें यह कहेंगे कि यह स्टेबल है और यह अनस्टेबल है क्योंकि यह फास्टली चार्ज है, यह इजिली न्यूट्रल होना चाहता है। लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यह दो डिग्री वन डिग्री कार्बो कैटायन के कंपेरिजन में थ्री डिग्री कार्बो कैटायन मोर स्टेबल है क्योंकि तीन साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। तो यहां पे यह स्टेबल था न्यूट्रल था, यह न्यूट्रल आयंस में आया है, आयंस में आया है तो यह रिएक्शन की स्टेप क्या होगी स्लो होगी, यह रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी हमारा स्लो होगा क्योंकि यह न्यूट्रल है और न्यूट्रल से आयन में आया, जब न्यूट्रल से आयन में आया तो स्पीड क्या होगी हमारी स्लो होगी। अब यहां पे जैसे ही यह कैटायंस एस्टेब्लिश हुआ इस कार्बन पे वह इजिली वह अपने पॉजिटिव चार्ज के बोझ से मुक्त होना चाहेगा, वह न्यूक्लियोफाइल से इजिली अटैक करके क्या बना देगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
इस केस में क्या है कि रिएक्शन की रेट सिर्फ इस पे डिपेंड किया टर्शियरी एल्किल हैलाइड पे, वह न्यूक्लियोफाइल या हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड नहीं किया। वह यहां पे वह स्ट्रांग हो सकता है न्यूक्लियोफाइल या वीक भी हो सकता है, वह दोनों के साथ ये रिएक्शन करेगा, चाहे वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल या हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो, यह दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में क्या होता है कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी है, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल SN2 के केस में वीक न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या है कि यह वीक हो या स्ट्रांग हो वह क्या करेगा इजिली इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर सकता है। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड किया कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड पे, न कि वह हमारा हाइड्रोक्साइड आयन पे। अब यहां पे एक चीज और देखने की बात है, देखने वाली बात क्या है कि इसमें यह तीन जो कार्बोकैटायन जो थ्री एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है यह प्लेनर में होते हैं। प्लेनर में होने का मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। स्ट्रक्चर कैसे होता है कि जैसे हमारे मान लो कार्बन है, एक सी एच थ्री ग्रुप वहां जुटा, दूसरा सी एच थ्री ग्रुप यहां जुट रहा है, तीसरा हमारा यहां पे जुट रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। जिस टाइप से पंखे में तीन ब्लेड लगे होते हैं वैसे ही प्लेनर फॉर्म में होता है, वैसे ही ये भी हमारा क्या प्लेनर फॉर्म में है। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक भी करेगा और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक करेगा, ये दोनों साइड से इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2 प्लेनर हो गया। और इस कंडीशन में अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करता है तो स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसे बनेगा, कार्बन OH CH3, ये थोड़ा सा डैश लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि ये सामने आ रहा है और यहां पे हमारा क्या है CH3। अगर यह OH नीचे से अटैक कर रहा है तब यह कार्बन यहां पे OH, यहां पे CH3, यहां पे भी हमारा CH3 और यहां भी क्या हो जाएगा हमारा CH3, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। यह दोनों क्या है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज बन रहे हैं, दोनों जो है एक दूसरे के क्या बन रहे हैं मिरर इमेज। यहां OH ऊपर है बाकी CH3 तीन नीचे है, यहां पे CH3 तीनों ऊपर है और OH क्या हमारा नीचे है, और दोनों क्या है एक दूसरे के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और इस टाइप में कंपाउंड में इसमें दो टाइप हुए, मतलब यह हमारा जो कार्बोकैटायन है इस कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, और ये दो टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक किया तो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसे बना, अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक किया तो हमारा प्रोडक्ट कुछ CH3 तीनों ऊपर हो जाएंगे, OH हमारा नीचे हो जाएगा, और इसको हम बोल देंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, या दोनों एक दूसरे के बोले जाएंगे इंसियोमर्स। एक नया वर्ड यहां पे जुड़ गया इंसियोमर्स, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इंसियोमर्स हैं। मतलब इस कंपाउंड में 50% यह कॉन्फिगरेशन, अगर इसका आर मान लो है तो इसका कॉन्फिगरेशन हमारा क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। ऊपर वाले का कॉन्फिगरेशन हम आर मान लेते हैं तो नीचे वाले का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। यानी इस कंपाउंड में 50-50% का रेशियो है, 50% आर और 50% क्या है हमारा यस है, 50% आर और 50% यस है, और 50% आर और यस के मिक्सचर को बोलते हैं हम रेशमिक मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं हम रेशमिक मिक्सचर। यह दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से इनको हम बोलते हैं एंसियोमर्स है, और इस कंपाउंड में यह 50% आर का कॉन्फ़िगरेशन है 50% यस का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हम रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर, यह रेशमिक मिक्सचर हो गया। तो SN2 में आपने पढ़ा होगा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आता है, और इस टोटल प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेशमाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम रेशमाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आया, और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आया, और SN1 में क्या दिया रेशमाइजेशन मिल गया। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।